नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है गोल्ड मेडल। और आपको बता दें कि अब उनके इस गोल्ड मेडल पर बधाई देने वालों में हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री किसी से पीछे नहीं है। वैसे देश विदेश से नीरज को बधाइयां मिल रही हैं और साथ ही साथ सभी उनके इस अचीवमेंट पे खुश हैं। नीरज ने भी एक बयान देते हुए ये कहा है कि 5 साल के अथक मेहनत के बाद, अथक परिश्रम के बाद, बुरे वक्त के बाद ये जो हुआ है ये सब कुछ भूल जाने जैसा है। ऐसे में हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री कहाँ से पीछे रहने वाली है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री में रवि किशन से लेकर मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह से लेकर दिनेश लाल यादव निरहुआ सभी ने अपने सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा के इस अचीवमेंट की सराहना की है। साथ ही साथ उनके इस अचीवमेंट को देश का गौरव भी बताया है। वैसे नीरज के लिए ये वक्त सबसे बेहतरीन है। टोक्यो में ओलंपिक समापन पे है और ऐसे में देश के लिए एक गोल्ड आना बहुत बड़ी बात है। वैसे आपको बता दें कि अब तक जो लंदन में ओलंपिक हुआ था वहाँ पर 6 मेडल के साथ इंडिया ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई थी और इस बार इंडिया ने 7 मेडल अभी तक 7 मेडल अपने नाम किया है और ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। नीरज के इस अचीवमेंट के लिए आप क्या कहेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ही जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।